हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। टॉपिक नहीं बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। टॉपिक्स भी डाल रखे हैं मैंने, क्वेश्चंस भी डाल दे रहा हूं मैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस किस वैरायटीज के क्वेश्चंस को पूछा जाता है, क्लियर, इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। और इलेवंथ में ना जनरली उन्हीं टॉपिक को एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, उन्हीं टॉपिक्स को पूछा जाता है जिन टॉपिक्स को ट्वेल्थ में यूज करना है, याद रखिएगा। टीचर का माइंडसेट ऐसा ही होता है, मैं भी एक स्कूल का टीचर हूं, कोचिंग से मेरे भी, मैं इन चीजों को आपको बता रहा हूं। हम भी पेपर इसी तरीके से सेट करते हैं जिस तरीके से बच्चों को आगे उन टॉपिक को लेके जाना है, क्लियर बेटा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो आप एग्जाम्स में देखेंगे, क्लियर बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं क्वेश्चन, सॉरी, इंपॉर्टेंट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ठीक है। दो तीन कंपाउंड्स बता रहा हूं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये हटा दीजिएगा। ए CO3 टू नेगेटिव O3, ठीक है, CO3 टू नेगेटिव O3, एंड एक और ले लीजिएगा आप HCN का, ठीक है, इन तीनों के एक और ले लो, चलो आपका NH3 बहुत है। ये चार आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। सेकंड फॉर्मल चार्ज आपसे CO3 टू नेगेटिव एंड O3 के बारे में पूछता है, ठीक है। थर्ड आपका क्वेश्चन आता है जो वो रेजोनेंस से आता है, रेजोनेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस तो आपके ट्वेल्थ में ऑर्गेनिक में भरा हुआ है। इलेवंथ में भी आप GOC जब पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप देखेंगे रेजोनेंस की बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेजोनेंस किस किस के बीच में, CO3 टू नेगेटिव, SO4 टू नेगेटिव, O3, सॉरी ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, O3, ठीक है, इसके बारे में। फिर फोर्थ एक क्वेश्चन आता है इन PCl5, ठीक है, PCl5 में जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो P आपने पढ़ा होगा वैसे Cl, इस तरीके के बॉन्ड होते हैं, फिर दो बॉन्ड होते हैं आपके ऐसे, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं, इसको और इसको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, और ये वाले इन तीन बॉन्ड को इक्वेटोरियल, पूछा जाता है कि एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं वो बड़े होते हैं इक्वेटोरियल से वाई, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। और ये बस PCl5 में ही है, जिसकी ज्योमेट्री होती है आपकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, याद रखिएगा बाय पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिरामिडल, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर, ओके। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब या प्रिडिक्ट, ऐसे बोलेगा जिसमें VSCPR थ्योरी और हाइब्रिडेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। प्रिडिक्ट द शेप कॉमा ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ए बी सी डी, छह कंपाउंड्स बता रहा हूं, छह कंपाउंड, ठीक है। पहला NH3, दूसरा H2O, तीसरा PCl5, SF4, SF6 और XCF6, इन छह को करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ये VS, इसमें आपका VSCPR एंड हाइब्रिडाइजेशन दोनों आ गई, ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंटली इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपका VBT और MOT पे, VBT एंड MOT पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन, ठीक है, वाई
मॉलिक्यूल ऑफ एच ई टू, मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी. ठीक है, दूसरा इसी पे क्वेश्चन आता है कि भाई ये एग्जिस्ट नहीं करता, और यही क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है, करता है. ठीक है, डज एग्जिस्ट, ये करता है ये नहीं करता, ये क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, फिर आपका अब एमओटी पे क्वेश्चन आता है. एमओटी पे कैसा क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, कि वाई ओ टू इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इन नेचर. एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी. ठीक है, फिर आपको बोल देगा कि कुछ कंपाउंड्स हैं उनको आपको उनकी स्टेबिलिटी पे अरेंज करना है, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा. आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू होता है. ठीक है, अरेंज दैम या अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी. ठीक है, वो है N2 नेगेटिव, ये N2 एक पॉजिटिव, N2 N2 दो पॉजिटिव, N2 दो नेगेटिव, इनको अरेंज करना है आपको. क्लियर, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जाते हैं जनरली. ठीक है, इस चैप्टर से कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. ये एसी खराब हो चुका है, एसी वाला आया नहीं, बहुत गर्मी लग रही है बेटा. कोई बात नहीं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं हम. सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए. इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा बेटा. ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेटा. तब तक के लिए टेक केयर.